हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अधिकतर लोग कम्युनिटी टैब में गलत तरीके से वीडियो को पोस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सही तरीका क्या है वीडियो को पोस्ट करने का कम्युनिटी टैब में। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करेंगे ऊपर, और यहाँ पर लिखा है योर चैनल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमारा चैनल ओपन हो चुका है, इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और यहाँ पर ये हम इसको कम्युनिटी पे ले जाएंगे जहाँ पर हम वीडियो को पोस्ट करते हैं। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पोस्ट करने के लिए कम्युनिटी टैब में एक फ़ोटो शेयर करते हैं, उसके साथ वीडियो का लिंक शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने गूगल क्रोम में जाकर वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ इस वीडियो को जो है हम कम्युनिटी टैब में पोस्ट करनी है, तो यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है शेयर किए जा सकने वाला लिंक पाएं दूसरे नंबर पे। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने वीडियो का लिंक कॉपी कर सकते हो और मैं आपको वहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम YouTube ओपन करेंगे, यहाँ पर हम अपने वीडियो पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियोस आ चुकी है। तो जो भी वीडियो हमें कम्युनिटी टैब में पोस्ट करनी है, उस वीडियो का यहाँ पर हम लिंक किस तरीके से कॉपी करेंगे, यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा शेयर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा कॉपी लिंक, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कम्युनिटी टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो के बारे में कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आइडिया फ्री रिचार्ज ऑफ़र। उसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे नीचे वाला, और यहाँ पर ये दूसरी लाइन आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी यहाँ पर वीडियो का लिंक पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो का लिंक पेस्ट हो चुका है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर फोटो पे क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि ऊपर लिंक पे क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा करने वाले कुछ भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लिखा पोस्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है। अब चाहे तो कोई व्यूअर्स यहाँ पर लिंक पे क्लिक करे या फिर यहाँ पर इस पर थंबनेल पे क्लिक कर दे, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही वीडियो ओपन हो जाएगी। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, ऊपर जिसको वीडियो का लिंक डाल देते हैं कि यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करें। अगर आप फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद लिंक डालेंगे तो आपको इस तरीके का पेज ओपन शो नहीं करेगा। यहाँ पर आप जो है वीडियो के बारे में लिखें, उसके बाद वीडियो को डायरेक्ट ही लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी वीडियो डायरेक्टली जो है शो कर देगा, किसी को भी दिखाई देगी। तो उसमें अगर आप वीडियो को जो है थंबनेल लगा देंगे या फोटो लगाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ व्यूवर्स क्या करते हैं, जैसे फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से फ़ोटो वाला पेज ओपन हो जाता है और वो वीडियो को जो है स्किप करके चला जाता है, वीडियो को नहीं देख पाता जब तक वो लिंक पर क्लिक नहीं करता। दोस्तों, मैं फेस कैम वीडियो ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल का कैमरा डैमेज हो चुका है, दूसरा मोबाइल मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बस आपके थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगले वीडियो में